बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बल्दियाती इंतहाबात से मुतालिक केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतहाबात कराने के लिए तैयार है, ताहम मामला अभी मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतहाब हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बाकी सूबों के मर्दमशुमारी पर एतराजात हैं, मुश्तरका मफादात को नस्ल का अजलास 7 अप्रैल को होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि क्या पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म हो गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सूबे में बल्दियाती हुकूमतों की मियाद दिसंबर 2021 तक थी। 2018 इंतखाबात के बाद नई पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतें तहलील करके एक साल में इलेक्शन कराने का वक्त दिया, लेकिन एक साल गुजरने के बाद नई तरमीम की और फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने पंजाब का 2019 का बल्दियाती कानून चैलेंज किया गया है। क्या दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के सेक्शन 3 को कलअदम करार दे दिया जाए। बातजा अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बल्दियाती इदारों को बहाल करने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का कहना है म्यूनिसिपल सर्विसेज को मुंतखब बल्दियाती इदारे ही बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बल्दियाती इदारों की जीत हुई। मजीद इसी हवाले से अपडेट लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियाँ जाजा अमर हमारे साथ मौजूद है। मियाँ जाजा अमर साहब, 2.5 साल बाद ये फैसला आया है कि आप लोगों को बहाल करें, क्या समझते हैं कि इस वक्त म्यूनसिपल सर्विसेज की क्या जरूरत है? म्यूनसिपल कमेटी इस बहाली के फैसलों को क्या समझते हैं? क्या म्यूनसिपल इदारों के लिए बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक तारीखी फैसला दिया है, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, और ये हमारे उस मौकफ़ की तायद हुई है जो हम पिछले 2.5 साल से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कर रहे थे कि जी बल्दियाती इदारे जो हैं वो जमहूरियत का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और बल्दियाती इदारे जब तक नहीं होंगे अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौकफ़ की जो है उसको उन्होंने तस्लीम भी किया, और उन्होंने हुकूमत की जो इदारे तोड़ने की बात थी उसको गलत साबित हुआ। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ इससे जो पंजाब भर के जो शहर हैं उनकी हालात बेहतर होंगे, जब अवामी नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे लोगों के मसाइल के लिए बाहर निकलेंगे हल करने के लिए, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये अपील भी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जैसे ये हुक्म से इदारे बहाल हो रहे हैं तो इनको फाइनेंशियल जो है खुद मुख्तारी वो भी मिलनी चाहिए, और साथ साथ इनको जो इनके जो फंड्स हैं जो हुकूमत ने पिछले कई सालों से रोके हैं वो भी इनको साथ बहाल होने चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे बैठ के और बगैर फंड्स के कोई काम नहीं होगा। और इस वक्त जो शहरों के हालात हैं वो मीडिया भी दिखा रहा है, वो लोग भी उसको बखूबी जानते हैं। तो मेरी ये अपील होगी हुकूमत से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कि जो इस ऑर्डर में ये भी साथ होना चाहिए कि अगर चेयरमैन को बहाल किया जा रहा है तो भरपूर तरीके से मुकम्मल माली खुद मुख्तारी के साथ और माली वसाइल के साथ उनको बहाल होना चाहिए। देखिए म्यूनसिपल सर्विसेज की बहाली जो कहा जाता है कि म्यूनसिपल सर्विसेज देना, तो एक मुंतखब नुमाइंदा और एडमिनिस्ट्रेटर इसमें क्या फर्क होता है? जी देखें, इसमें बड़ा वाज़े फर्क यह है कि जो एक मुंतखब नुमाइंदा है वो लोगों से वोट लेके आया हुआ है, और वो उस गली मोहल्ले में जहाँ पे उसकी रहायश है वहाँ पे उसको जो मसाइल हैं उसकी वो ग्रॉस रूट तक उन मसाइल से उसकी वाकफियत है, और लोगों का उसके साथ हर वक्त इंटरेक्शन है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जैसे अब रहीम यार खान हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं तो आप बेहतर समझती हैं कि कितने लोगों की उन तक रसाई है। तो ना उनके पास इतना टाइम होता है, उनके पास अपने पूरे ज़िले के मसाइल होते हैं। जो हम शुरू से बात करते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये काम ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास अपने बहुत काम होते हैं, तो ये अवामी नुमाइंदों का काम है, और इसी से बेहतरी आएगी और हमेशा से बेहतरी आएगी। और आप तारीख गवाह है कि जब भी मुकामी हुकूमतें कायम होती हैं और उस वक्त आपको शहरों में तरक्की होती नजर आती है, शहरों में सफाई सुथराई के मसाइल हल होते नजर आते हैं। बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए हैं, ब्यूरो चीफ आसिम सदीक शुक्रिया। दूसरी जानी पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल होने और मीर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। रोही से गुफ्तगू करते हुए अकील नजम हाशमी का कहना है कि हम गैर मुइना मुद्दत के लिए बहाल हुए हैं। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे महमूद जहीर से।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती इदारे बहाल, तो मेयर और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनके जो इंचार्ज कह लें सियासी तौर पर थे वो भी बहाल हो गए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भावलपुर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर अकील नजम हाशमी साहब। पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेयर साहब, आप एक बार फिर से भावलपुर शहर के फादर ऑफ सिटी बन गए, खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं दोबारा रोहित से बात कर सकूंगा एज ए मेयर। हमारे तो आपके लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं रोही, आपका अपना चैनल है। तो अब क्या मंदरजात होंगे, क्या कितने अरसे के लिए आप मेयर होंगे, अब आप इसको किस तनाजर में देख रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि 2019 में 4 मई को इस हकूमत ने बलदियाती इदारों पर शबखून मारा था और विद अ वन स्ट्रोक ऑफ पेन उनको डिसॉल्व कर दिया था। ये कानूनी जंग हम जब से लड़ रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुप्रीम कोर्ट में फतह दी है और इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने आज ये तमाम इदारे जिनको इलीगल डिसॉल्व किया गया था उनको बहाल किया है। अभी इसका मुकम्मल फैसला तो आना है, लेकिन जो वो 4 मई का एक नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये मुंतखब इदारे जो थे उनको डिसॉल्व किया गया था, वो जो है काला दम करार दे दिया गया है। अब और गैर मुयना अरसे के लिए ये जो है इदारे बहाल हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अरसा हमारा पीछे गुजर चुका है अब वो भी बीच में शामिल हो जाएगा। और 148 जो आपको पता है कि एक बहुत अहम शिक है पाकिस्तान आईन पाकिस्तान की, उसको वायलेट किया था, हेल्ड एंड बेंस किया था इस हकूमत ने, अब वो पूरी तरह इन्फोर्स होगी। और पूरी तरह इन्फोर्स हो गई। अब आप लोग क्या समझते हैं कि हकूमत आप लोगों को फूलों पर तो नहीं बिठाएगी, आप लोगों को फंड्स नहीं देगी, तो आप लोग महाजराई करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हम महाजराई से तो बहरहाल बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम भी आराम से तो नहीं बैठेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत का पौधा पाकिस्तान में पले जो है बले बड़े आगे चले, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि दूसरे के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एडवेंचर करके देख लिया, लेकिन आईन और कानून की नजर में वो क्या था वो आज साबित हो गया है। तो मेरी तवक्को है कि पीटीआई गवर्नमेंट से, मुझे सेंसिबल कोई तवक्को कभी रही तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस मरतबा वो किसी सेंस का मुजाहरा करें और एक दूसरे के मैंडेट को बर्दाश्त करें। हालांकि उनका तो अपना चुराया हुआ मैंडेट है, ये तो पंजाब में ओवरवेलमिंग एक मेजोरिटी के साथ हम लोग आए थे, फिर भी मैं तवक्को कर सकता हूं कि खान शायद इमरान खान की हुकूमत किसी मेरा ख्याल है जमहूरी इकदार का उसको पासदारी तो नहीं है, लेकिन शायद हम मुजाहरा कर सकें। शायद इमरान खान होश के नाखुल ने बता रहे थे मेयर अकील नजम हाशमी साहब के महाजराई हम नहीं चाहते, हुकूमत को भी होश के नाखुल लेने चाहिए, हम चाहते हैं पाकिस्तान के आवाम की खिदमत हो। सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश कर रहे थे और हुकूमत होश के नाखुल ले। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल होने और मेयर बहावलपुर नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए अकील नजम हाशमी का कहना है कि आइंदा गैर मुइना मुद्दत के लिए हम लोग बहाल हुए, उम्मीद है हुकूमत होश के नाहुन लेगी और हमारे साथ महाजराई नहीं करेगी। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल होने और मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है।